उपाय ना अंदो नेन मैदान के अब नवंबर महीने इन उपाव नवंबर महीने तो कुआ हम कोई उन कुआ इन उपाव अंदो 40 प्लस इन उपाव तीन प्रकार है इन उपाव नेन मैदान रे तीन चार पांच नवंबर हर साल का के नेन ऑफिशियल एफसी आप एक दो स्कोर बढ़ावे ना इलूंगे पूर्व नील पुड़ जैसे ऑफिशियल एफसी ऑफिशियल एफसी विनर बाबू नीक इटे कुदर पेर बाबू तक सरायकला एनबीसी मरान साई नेकुदो अब नीक सरायकला पायतन को जो कि मरान साई को लगता हाथ तक दो तितिर बिला जो कि नेन मैदान ते बहुत बार प्राइज देखे एनबीसी तितिर बिले ने तुमते अगला मैच इनम लगे बिल्कुल तैयार करने ते पंडाल मैदान खुद पे बिठा जोन बन जागोर एफसी और निमेश ब्रदर्स ऐसे जबरदस्त मुकाबला मारंग मारंग सही के पास बोल लेकिन वहां पर पाउल का इशारा गोला पड़ेगा के द्वारा बहुत ही सुंदर पास वहां पर मारन साई के लिए सुंदर पास वहां पर खतरे में रहते हुए लेकिन वहां पर डिफेंडर मुस्तैद बॉल को निकालने में कामयाब चीना चट्टी लेकिन उछाल दिए बॉल को खतरा हो सकता है लेकिन डिफेंडर बॉल को क्लियर कर दिए हैं सुंदर पास मारांसाई के लिए काफी आक्रामक खेल दिखाता हुआ एक गोल से पिछड़ रहे हैं मारांसाई गोल को बराबर में लाने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको सफलता नहीं मिली है सुंदर पास वहां पर छोटा छोटा पास खेलता हुआ लेकिन वहां पर चीन है इस तरह से ऑफिशियल एफसी काफी तेज तरह बॉल को आगे ले जाता हुआ लेकिन वहां पर गलत पास इस तरह से डायरेक्ट गोलकीपर के हाथ में काफी रोमांचक मुकाबला दोनों तरफ से आक्रामक खेल देखने को मिल रहा है जबरदस्त प्रदर्शन इस समय तो कौन टीम की तरफ से देखने को मिला है मैदानी गोल की बात करें संजय मातो आज अपने टीम के लिए दो स्कोर करने में सफल रहा यहां पर कीर्ति बाबले यहां पर ठीक करने की दरकार हो और वनडे का ही मजा है जब जब मेज आगे बढ़ता है रोमांच उतना ही होता है मैच में जो साफ तौर पर यहां देखने को मिला है और भी किकर की अच्छी भूख आई गेंद लेकिन तमो पुनः एक बार संजय को ढूंढने की कोशिश लेकिन शिव भी
जो है पेनल्टी एरिया के करीब मंडराता हुआ, लेकिन बार बार एटैकिंग पर अभी तक वापसी करने में असफल रहा है। कोशिश आपको करना होगा तभी अपने टीम के लिए वापसी करने में सफल हो पाएंगे। एनबीसी मारासी की बात करें, फिलहाल एक सुंदर से गुजर रहे हैं। इसी महीना में 15-16-17 अगस्त को आप सबको आमंत्रित कर रही है, फुटबॉल दे देंगे। चलिए फुटबॉल सामने में 16-17 अगस्त एक से बढ़कर एक टीमें देखने को मिलेंगे, लेकिन आज भी काम नहीं है। रेनबो क्लब के ऐतिहासिक ग्राउंड पर हर साल 8 अगस्त को फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जो इस साल भी देख रहे हो महसूस करता हुआ इस वक्त ऑफिशियल एफसी टाकोदर की टीम कहीं न कहीं वापसी करने की भरपूर यहां पर डाउनवर्ड डिफेंसिव लाइन पर आए हैं राहुल ककीक बाबलू, और यहां अपील कर रहे थे, अपील को पूर्ति स्वीकार रहे हैं। तो सर देख लीजिए संचालक छोटी नजर आ रही है इस वक्त, आधे वक्त बाकी है टीम से मदन सिंह के पास। जिस तरह से टीम खेली है उम्मीद कर सकते हैं कि बेहद जल्द इस वक्त टीम वापसी कर सकती है, लेकिन अच्छी डिफेंसिव पाती हुई सेकेंड हाफ के इस मुकाबले पर देखना होगा। रंजीत जी जिस तरह से तीसरी वेला की टीम खेल रही है उम्मीद तो किया जा सकता है, बारंबार अटैक कर रही है और आक्रामक तेवर यहां पर अपनाई हुई है, तो कहीं ना कहीं वापसी जरूर यहां पर देखने को मिल सकता है। रंजीत बाबू जी राजेंद्र बिल्कुल सही जिक्र किया है आपने, लेकिन देखना होगा कौन सा खिलाड़ी ब्रेक थ्रू दिला पाएंगे। यहां पर टारगेट पे होते तो शायद गोलकीपर के लिए दिक्कत जरूर होता, लेकिन पूरी तरह से ऑफ टारगेट रहा, टूना का किक जरूर था। जब तक निर्णायक की अंतिम सिटी नहीं बजी राजेंद्र कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है वनडे में, क्योंकि सेकेंड में भी वापसी की जा सकती है। मैं समझ सकता हूं इस वक्त आसानी से हार मानने वाले नहीं है ये मरासा, यह बार फिर से, लेकिन बाद में अपने लेफ्ट फुट का प्रयोग शानदार रूप से किया करते थे, लेकिन इस समय एक गोल करने के बाद भी आसानी से यानी कि आराम का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। यहां मरासा ही ये गोल किक राइट विंगर को ढूंढने की कोशिश, लेकिन सन्नी का रोक, थोड़ा बहुत फिर से वाई साइकिल किक, लेकिन सामने फिर हुआ लवली एकेडमी सरायकेला के एकमात्र खिलाड़ी जो फिरवा सोए के नाम से जाने जाते हैं, जिसे आप देख रहे हैं बिल्कुल जर्सी नंबर है नहीं, बताना थोड़ा मुश्किल, लेकिन ये जो फिरवा बाबू के सर के से बाल पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, फुटबॉल खेल के ही इन्होंने अपने जो सर में जितने बाल होते हैं तमाम वालों को इन्होंने कुर्बान कर दिए भाई, मानना होगा। और उस फिरवा की बदौलत टीम आज लगभग लगभग सेमीफाइनल में पहुंचने की कगार पर है। फिर से हवार विकी, मौका हो सकता है लेकिन नहीं, किक करने का मौका नहीं वहां पर, और गेम को लेकर आगे भाग रहे हैं इस समय ऑफिशियल एफसी सरायकेला। बॉल छीनने में कामयाब, यहां पर डगआउट में बैठे हुए लोगों का समर्थन यहां पर मरण सिंह की टीम को बहुत ज्यादा मिल रही है। जिस तरह से मरण सिंह की टीम गेंद को लेकर आगे बढ़ती है और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोगों की जो आवाज है, जो ताली है, जो सीटी है, ये बयां कर रही है कि यहां समर्थन सबसे ज्यादा अगर किसी टीम को मिल रही है तो ये टीम है। सीटी बढ़ चुकी है, इसलिए सरायकेला की टीम भले जीना मुश्किल हो चुका है, काफी मुश्किल भरी दौर जरूर कहा जाएगा। बार बार यहां जिस प्रकार की अटैक कर रही है मरासा की टीम, उम्मीद जरूर कर रहे हैं दर्शक और टीम, लेकिन समय निकल जाएगा तो फिर कुछ नहीं, लेकिन कृति मातो अभी भी गेंद उनके पास और हवा में पास बबलू के लिए, लेकिन शिवू
वहां मौजूद है। हेडर के द्वारा अपने साथी के लिए गेंद को उपलब्ध कराया, लेकिन अभी भी एनबीसी के पास गेंद। राइट फॉरवर्ड को ढूंढने की कोशिश, अच्छी पास, कृति ने छोड़ा बबलू के लिए गेंद को, और बबलू इस समय फिरवा को कट करके आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच अच्छी पास सनी के लिए, सनी ने उछाला गेंद को, क्या गेंद को रोक पाएंगे? जी हाँ जी नहीं, मुकाबला चल रहा है बाबू, पैसा वसूल वाली मुकाबला, प्राइज तो मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन खस्सी का जो वजन है वहां पे भी थोड़ा सा डिफरेंस तो है, टीम के ऊपर डिजर्व करने वाली बात है, सेमीफाइनल में जाओगे। ये कृति का शानदार शॉट, लेकिन और ये कॉर्नर किक का इजाफा करेंगे, अच्छी गेंद,